भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला मुकाबला रविवार को होने जा रहा है। भारत में जब लोग छोटी दिवाली के जश्न में डूबे होंगे, उस वक्त मेलबर्न के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड में रोहित शर्मा की आर्मी बाबर आजम की टीम से भिड़ेगी। लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी चिंता मौसम बनी हुई थी। मेलबर्न में लगातार बारिश हो रही थी, साथ ही 23 अक्टूबर यानी मैच की तारीख वाले दिन मेलबर्न में बारिश होने की संभावना थी। लेकिन मेलबर्न के ताज़ा अपडेट को सही माने तो फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि मेलबर्न में लंबे वक्त से बारिश रुकी हुई है और धूप भी निकल रही है। साथ ही अब अगले दो दिन तक बारिश होने की संभावनाएं काफ़ी कम हैं। वेदर रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 अक्टूबर को मेलबर्न में बारिश होने के आसार कम हो गए हैं। पहले दिन जहां 80% तक बारिश होने के आसार थे, अब वो 25% के आसपास चले गए हैं। हालांकि रविवार रात को अभी भी 90% तक बारिश के आसार हैं। बता दें कि भारतीय समय अनुसार इंडिया और पाकिस्तान के बीच भले ही मैच दोपहर 1:30 बजे होना हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वक्त के अनुसार ये मैच मेलबर्न में शाम 7 बजे खेला जाएगा।